ये जो हड़बड़ी में गड़बड़ी पैदा किया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसको एक शिकायत का कोषांग बनाना चाहिए। बिहार के तो नौजवान सड़क पर धूल चाट रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। आदमियों का कद्र इस सरकार में भेड़ी बकरी की तरह हो गया है, ये बहुत दुर्भाग्य है और इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बिहार चलता है। ये तमाम चीज सिर्फ अपने पीठ को अपने थपथपाना चाहती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार, जो घोर अनर्थ है और इसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप सदन भी आ रहे हैं 6 तारीख से। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है उसमें कई सारी गड़बड़ियां है और गड़बड़ियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का चक्कर काट रहे। देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे में जिस तरीके से स्कोर कार्ड जारी हुआ है उसमें भी गड़बड़ियां है। देखा जाए तो नियोजित शिक्षक भी इस बहाली में शामिल हुए हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बता दें आपको कि बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी दे दिया गया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थियों का कई सारी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नवल जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति तो हो रही है लेकिन उसमें गड़बड़ियों का अंबार लगा हुआ है। अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे, दिव्यांग अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं दिया गया है, नियोजित शिक्षक भी बहाली में शामिल हुए हैं, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकालकर उनकी भी बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने की बातें हो रही है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये टोटली ये जो हड़बड़ी में गड़बड़ी पैदा किया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसको एक शिकायत का कोषांग बनाना चाहिए था और जो अभ्यर्थियों का जो कहना था उसको सुनना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। गलत तो हुआ ही है उसमें, उसमें दिव्यांग का नहीं आया है, जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके वंशज को मिलना है वो नहीं आया है, और जो एससी एसटी पास नहीं किए हैं उसके भी रिजल्ट आ गए हैं, जो बीएड पास को प्राइमरी में नहीं लेना था उसका भी आ गया है। तो इस तरह से, और मैक्सिमम तो उसमें नियोजित शिक्षक आ गए हैं, अभ्यर्थी तो बाहर के बाहर रह गए हैं, करीब 15 से 17 हज़ार बाहर के विद्यार्थी आ गए हैं। तो बिहार के तो नौजवान सड़क पर धूल चाट रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, और आदमियों का कद्र इस सरकार में भेड़ी बकरी की तरह हो गया है, ये बहुत दुर्भाग्य है और इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बिहार चलता है। बिहार के जनमानस है, बिहार के लोग हैं, जो उनके नमक से कफन तक टैक्स मिलता है उससे सरकारें चलती हैं, संस्थाएँ चलती है। इस लिहाज को भी आंख में पानी रखना चाहिए और करना चाहिए। 122,324 पद क्या दिखावा है क्या, जिस तरीके से तेजस्वी यादव? निश्चित रूप से ये इसमें करीब 80-85 हज़ार नियुक्ति आया है, उसमें लगभग 48,000 से 50,000 नियोजित शिक्षक हैं, करीब 14 से 17 हज़ार के बीच बाहर के विद्यार्थी हैं। अब बचा छिटपुट में तो दांत खोदने भर यहाँ के अभ्यर्थियों को हुआ है, इसलिए छटपटाहट है, ये मूल बात को समझ नहीं रहे हैं, मूल बात को समझना चाहिए। दिव्यांगों का रिजल्ट नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है या फिर उनको हिरासत में ले लिया जाता है? दिव्यांगों का भी नहीं हुआ है और फ्रीडम फाइटर के जो वंशज को देने थे उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। ये तमाम चीज सिर्फ अपने पीठ को अपने थपथपाना चाहती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार, जो घोर अनर्थ है, और इसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप सदन भी आ रहे हैं 6 तारीख से, सदन में भी और सड़क पर भी जोरदार हंगामा होंगे और सरकार डिफेम, सुधार होना चाहिए इसको लेकर। निश्चित रूप से जो आपने गलतियां किया है उसको सुधार करना ही पड़ेगा, सुधार करना ही चाहिए। गलती हो जाए तो उसके सुधार के ही एक रास्ते बचते हैं, लेकिन आप जानबूझ के सुधार नहीं कीजिएगा और अपने गलती पर कायम रखिएगा तो इससे रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया लोगों से आ रहे हैं। मामला कोर्ट पहुंच गया है, ऐसे में 2 तारीख को नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटने की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अच्छा, इसमें नियुक्ति पत्र क्या बांटेंगे? कोई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई यूपीएससी से नौकरी लेके आए तो कोनो अनुदान में आप दे रहे हैं? एगो दुगो परीक्षा आपने लिया है, कई परीक्षाएं ली है, और उसको आप क्या दिखलाना चाहते हैं कि हम अनुदान में नौकरी दे रहे हैं? आप दे रहे हैं कि उसका मेरिट ले रहा है,
तो जिन लोगों को हुआ है उसको भी ये सिर्फ फोटो सेशन करने के लिए बेचैन है सरकार, इनका सब फोटो सेशन पता चलेगा, सदन आने दीजिए। देखिए सदन आने दीजिए, ऐसे में फोटो सेशन करने के चक्कर में नीतीश सरकार कहीं ना कहीं सबक सिखाया जाएगा। ऐसे में नवल किशोर यादव ने साफ कह दिया कि सुधार होना चाहिए, जिस तरीके से गड़बड़िया हुई है, जिस तरीके से विसंगतियों को अभ्यर्थियों को विसंगतियों का सामना कर रहा है, इसको देखते हुए विभाग इस पर ध्यान दे तो वहीं इसको सुधार करे। अभ्यर्थी काफी परेशान है और लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कई बाहर के अभ्यर्थी इस बहाली में शामिल हो गए हैं। देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों को भी इस हाल ही में शामिल करवा दिया गया है, ऐसे में बस दिखावा किया जा रहा है। 122,324 पदों पर कहीं ना कहीं एक दिखावा है, ना कि बहाली की जा रही है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।